हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ड्राइविंग टेक्निक के बारे में बताएंगे कि अच्छे ड्राइविंग टेक्निक अप्लाई करने से कौन कौन से फायदे हैं। ऐसे तो कैसे भी गाड़ी चलाए जा सकते हैं और गाड़ियां चलते ही रहती हैं, लेकिन अच्छे ड्राइविंग के द्वारा हम व्हील स्किडिंग को अवॉइड कर सकते हैं और लोडेड गुड्स ट्रेन को भी स्टॉलिंग से अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लैट टायर, ब्रेक बैंडिंग और जर्क को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये कुछ ही पॉइंट है जिसे हम बताने वाले हैं। ये सभी पॉइंट आप माइंड में रख करके गाड़ी ड्राइविंग किए तो आपका गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलेगी और गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम आने से भी आप बच जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके लॉबी और डिपो में नाम भी जाएगा कि फलाना ड्राइवर लोको पायलट बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करता है, इसे ड्राइविंग का बहुत अच्छा नॉलेज है। इससे गार्ड और आपका लोको इंस्पेक्टर भी हमेशा आपसे खुश रहेंगे और पैसेंजर भी गुड फील करेंगे। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट को मालूम करते हैं। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। अच्छे ड्राइविंग के द्वारा आप अवॉइड कर सकते हैं स्किडिंग को, यानी कि आप अच्छे ड्राइविंग किए तो आपके लोको में कभी भी व्हील स्केडिंग नहीं आएगा और अच्छा ड्राइविंग रहा तो का ट्रेन कभी भी स्टॉल नहीं होगा, ये फुल गारंटी है। तो आइए पॉइंट मालूम करते हैं। पीवीएफ को प्रेस करके ए नाइन अप्लाई करना चाहिए। हम जानते हैं कि ए नाइन कंजक्शनल ब्रेक है, यानी कि इसके साथ साथ और भी दूसरा ब्रेक लगता है, यानी कि लोको ब्रेक लगता है। जब हम ए नाइन अप्लाई करते हैं तो हमारे लोको में 1.8 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ब्रेक अप्लाई होता है और लोको में ब्रेक लगता है, इसलिए पीवीएफ को दबाना जरूरी है। अगर पीवीएफ को दबाए तो 1.8 का जो लोको ब्रेक लग रहा है वो अप्लाई नहीं होगा और फॉर्मेशन में ब्रेक लगेगा और फॉर्मेशन अपने हिसाब से गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करेगा, जिससे कि लोको का स्पीड भी कम हो जाएगा। यदि आप पीवीएफ को नहीं दबाए तो लोको ब्रेक अप्लाई होगा और फॉर्मेशन का जो मोशन है वो लोको को आकर के मारेगा, जिससे कि हैवी जर्क आएगा और गार्ड को गिरने की भी संभावना है, इसलिए पीवीएफ दबाना बहुत ही जरूरी है। सुनिश्चित करना है कि हैंड ब्रेक रिलीज कंडीशन में है। जब आप लोको ही चार्ज ले रहे हैं तो उसमें हैंड ब्रेक अच्छा से रिलीज कंडीशन में होना चाहिए, या कोई गाड़ी स्टेबलिंग क्लियर कर रहे हैं तो सभी बैगन रिलीज कंडीशन में होना चाहिए, हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्हील स्किडिंग आएगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन को रोकने के लिए SA9 अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन मोशन में रहता है और SA9 के द्वारा ओनली इंजन के द्वारा हम गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। यदि कोई SA9 अप्लाई करता है तो गाड़ी डिरेलमेंट भी हो जाएगा, इसलिए कभी भी फॉर्मेशन को रोकने के लिए SA9 अप्लाई नहीं करना चाहिए, A9 ही अप्लाई करना चाहिए। गाड़ी रुकने के बाद SA9 को अप्लाई करना चाहिए। यदि लाइट इंजन वर्किंग है तो उसमें आप SA9 के द्वारा गाड़ी को रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ट्रेन स्टॉल होता है तो बार बार खींचने का कोशिश नहीं करना चाहिए। बार बार कोशिश करने से व्हील स्लिप आएगा और ट्रैक भी और व्हील भी साथ साथ खराब हो जाएगा, इसलिए बार बार कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि ट्रेन स्टॉल हुआ तो पहले सैंडिंग बराबर है कि नहीं ये देखना चाहिए, या सभी व्हील में थोड़ा थोड़ा सैंड गिराना चाहिए, इसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद भी यदि स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी तो थोड़ा सा अगर स्पेस है, सिग्नल वहाँ पे नहीं है तो थोड़ा सा बैक ले लेना चाहिए, उसके बाद गाड़ी को पिकअप करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबी के दौरान SA9 अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सुनिश्चित करना है कि लोको और फॉर्मेशन में ब्रेक बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। यदि लोको या फॉर्मेशन में ब्रेक बाइंडिंग होगा तो आगे ये फ्लैट टायर बन जाएगा, इसलिए ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, अच्छा से देख लेना चाहिए। यदि कभी भी हार्ड फॉर्मेशन आ रहा है तो उसे चेक भी कर लेना चाहिए, स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन के द्वारा भी इंश्योर भी होना चाहिए। नेक्स्ट, सुनिश्चित करना है कि बीसी गेज सेटिंग 3.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। थ्री फेज लोको WAP5 लोको में 5 केजी बीसी प्रेशर रहता है, बाकी सभी लोको में 3.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है बीसी गेज का। इससे अगर ज्यादा भी हो कम हो तो अप्लाई हो सकता है, इसलिए बीसी गेज में प्रेशर 3.5 केजी 3.5 केजी हो ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद सुनिश्चित करना है कि हमारे लोको में सैंडर्स वर्किंग है एवं स्पेयर सैंड बैग भी है। ट्रेन 1
या टू नॉच में मूव हो जाना चाहिए। आपके सेक्शन में कोई एक दो स्टेशन ऐसा हो सकता है जो कि एक दो नॉच में मूव नहीं होता है, हैवी ग्रेडियंट है तो वहां से स्टार्ट करने के लिए ज्यादा नॉच का जरूरत पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ये एक या दो नॉच में मूव हो जाता है। अगर एक या दो नॉच में मूव नहीं होता है तो फॉर्मेशन को चेक करना चाहिए कि कहीं पे ब्रेक बैंडिंग या कोई हैंड ब्रेक अप्लाई तो नहीं है, और चेक करके उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। यदि एक्सेस लोड है तो कर का डिमांड करना चाहिए। वर्किंग टाइम टेबल के द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में सिंगल लो को परमिट नहीं है या कौन सा स्टेशन में सिंगल लो को है तो स्टॉप स्टार्ट नहीं है, उसके द्वारा आप देख करके लोड को देख करके आप बैंकर का डिमांड कर सकते हैं। अनावश्यक सिंगल लोको के द्वारा खींचना, अपने आप में टेंशन लेना ठीक नहीं है, इसलिए रूल के मुताबिक यदि बैंकर डिमांड है तो बैंकर का डिमांड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन का प्रॉपर एलआर होना चाहिए। सेक्शन का प्रॉपर एलआर का मतलब है कि आपका सिग्नल के साथ साथ ग्रेडियंट कहाँ से कोस्टिंग है, कहाँ से पावरिंग है, ये चीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मालूम होगा तभी आप नॉच को आवश्यकता अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर एलआर होना चाहिए, तब आप अच्छा ड्राइविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप ग्रेडियंट में पहुंचते समय एमपीएस में जाना चाहिए। अप ग्रेडियंट में पहुंच रहे उस समय एमपीएस मैक्सिमम परमिसिव स्पीड में जाना चाहिए, इससे कि गाड़ी का स्पीड कम नहीं होगा। यदि आप फुल ग्रेडियंट में नॉच ले रहे हैं तो उससे भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप नॉच लीजिएगा उस समय करंट और वोल्ट भी परमिट नहीं करेगा और आप नॉच नहीं ले पाएंगे और गाड़ी का स्पीड भी बढ़ने के बजाय और भी घट जाएगा और गाड़ी स्टॉल भी हो सकता है या हिल स्कीडिंग भी वैसे समय में होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीएम का करंट रेटिंग ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही नॉच लेना है। टीएम का करंट रेटिंग देख करके नॉच लेना चाहिए। यदि नॉच परमिट नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सैंड को दबा करके और धीरे धीरे आप नॉच ले सकते हैं। अच्छे ड्राइविंग टेक्निक यूज करके आप व्हील स्कीडिंग और स्टॉलिंग को रोक सकते हैं। पर ये सभी टेक्निक, ये सभी पॉइंट आप याद रखते हैं, माइंड में रखते हैं, तो कभी भी इस प्रकार के व्हील स्कीडिंग, फ्लैट टायर या स्टॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।